हेलो फ्रेंड्स, वेल हाय देयर। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे कैनन कैमरा EOS 800D को हमारे स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि आप एप्लीकेशन को एक बार कनेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन दोबारा से उसको रिकनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आज का वीडियो हम वहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मेनू बटन प्रेस करना है और सेटिंग्स मेनू में हमें वायरलेस कम्युनिकेशन सेटिंग्स को ढूंढना है। वहाँ पे हमें क्लियर सेटिंग्स पे जाना है और हम उसमें ओके बटन प्रेस करके सेटिंग्स को क्लियर करेंगे। अब हम डिवाइस को रीकनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो लोग डिवाइस को पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें कैनन कैमरा कनेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। कैनन कैमरा कनेक्ट एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों के रिस्पेक्टिव गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन की हुई है। अब हमें वाईफाई सेटिंग्स में वाईफाई को अनेबल करना है। वाईफाई को अनेबल करने के बाद हमें अपने कैमरे को नेम देना होगा। आप अपना मनचाहा नेम भी दे सकते हो। उसके बाद अब हमें मेनू बटन प्रेस करके बैक जाना है। वहाँ पे हमें सेकंड नंबर पे वाईफाई फंक्शन में जाना है और वहाँ हम कनेक्ट टू स्मार्टफोन ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पे हम रजिस्टर डिवाइस वाला कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक SSID और पासवर्ड जनरेट हुआ है जो हम ऐप कनेक्ट करने के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट के तौर पे यूज़ करेंगे। अब हमें डिवाइस की सेटिंग स्क्रीन में जाना है और वहाँ पे हमें वाईफाई सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे जो SSID कैमरा में जनरेट हुई थी उसे ढूंढना है और जो पासवर्ड कैमरा में जनरेट हुआ था उसे हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ और ये जॉइन। पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अब हमें एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हो आपको अपने कैमरे का नेम डिस्प्ले होगा। सिंपली उस पर क्लिक करना है और परमिशन एक्सेप्ट करनी है। सेम चीज़ हमें कैमरा में भी करनी है। यहाँ पर भी हमारे डिवाइस का नेम डिस्प्ले होगा। ओके पे क्लिक करके कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, रिमोट लाइव शूटिंग और इमेजेस ऑन कैमरा। रिमोट लाइव शूटिंग पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ हम नॉर्मल सेटिंग्स ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो फोकस मेथड, ड्राइव मोड, मीटरिंग मोड और आपके इमेज की साइज। आप यहाँ से वीडियो मोड भी ऑन कर सकते हो और वीडियो मोड के भी नॉर्मल सेटिंग्स ऑपरेट कर सकते हो। अब हम फोटो क्लिक करेंगे। सिंपली हमें अपने ऑब्जेक्ट यानी कि टॉय कार पे क्लिक करना है और उसे फोकस करना है। उसके बाद जो सेंटर में वाइट बटन दिया है हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा फोटो कैप्चर हो चुका है। अब हम इमेजेस ऑन कैमरा फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने जो फोटोज़ और वीडियोस कैमरा में क्लिक किए हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। आप इसे पिंच करके जूम कर सकते हो, इसकी कलर टोन, शार्पनेस, रिजोल्यूशन वगैरह देख सकते हो। इन्फो बटन पर क्लिक करके आप उसकी इन्फो जान सकते हो, जैसे कि शटर स्पीड, अपर्चर वैल्यू और ISO वैल्यू। रेटिंग बटन पर क्लिक करके आप इसे रेट कर सकते हो। इंपोर्ट बटन पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ऐप बटन पर क्लिक करके आप उसे शेयर कर सकते हो और डिलीट बटन पर क्लिक करके आप उसे डिलीट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।